दोस्तों आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हावड़ा मुंबई मेल स्पेशल ट्रेन में, जिसका नंबर है 02321। ये हावड़ा से बनकर चलती है मुंबई के लिए, और आज इसी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इसका आज मैं जनरल कोच और स्लीपर कोच आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस ट्रेन में जनरल कोच की बात करें तो इस तरीके की जनरल कोच आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जब मैंने ट्रैवल करने के दौरान यहाँ पे देखा कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, कोविड का टाइम चल रहा है फिर भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। अच्छी खासी भीड़ हो रखी है इसमें, लेकिन ना तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग आपको देखने को मिलेगा, ना किसी ने मास्क लगा रखा है। तो ये हाल है अभी जनरल कोच का, आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। नीचे भी लोग बैठे हैं, जनरल कोच में आपको नॉर्मली लोग इस तरीके से बैठ कर ट्रैवल करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है जनरल कोच में और लोग आपको इस तरीके से ट्रैवल करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है जनरल कोच में, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है स्लीपर कोच है, स्लीपर कोच में मेरी सीट थी, अपर सीट मुझे यहाँ पे मिली थी। तो चलते हैं स्लीपर कोच को भी एक बार देखते हैं और किस तरीके का स्लीपर कोच है हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन का। तो ये इसका स्लीपर कोच है, नॉर्मली जैसे हर कोच में एक कैबिन में 8 सीट होते हैं, इसमें भी सेम है। सफाई भी मुझे ठीक ठाक ही लगी, और हर एक ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आज के टाइम में, वो है चार्जर। तो इस ट्रेन में भी आपको कोच में, आपको स्लीपर कोच में चार्जर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आसानी से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सामने चार्जर लगा हुआ है, सीट के साथ चार्जर लगा हुआ है, ये देखें। तो अच्छी चीज़ है, कोच अच्छा है। और मेरी सीट अपर यहाँ पे थी, ये रही मेरी सीट। मैंने धनबाद से ये ट्रेन लिया था और सुबह की 3 बजे की ट्रेन थी, और अगले दिन ये मुझे 1:30 बजे के लगभग में दादर स्टेशन में उतार देगा ये मुझे। ये साइड का है, साइड अपर। इसके नीचे जो होता है वो RSC, जब आपकी टिकट RSC होती है तो 2 लोग इसके नीचे बैठते हैं, 2 लोग एक साथ, ये जो सामने देख रहे हैं 2 लोग एक साथ यहाँ पे बैठ के ट्रैवल करते हैं अगर आपकी टिकट RSC में है। यहाँ पे भी चार्जर दिया हुआ है, वो अच्छी चीज़ है। दोस्तों अगर आपने भी इस ट्रेन से ट्रैवल किया है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।